बांग्लादेश में ईद की नमाज के दौरान आतंकी हमला। शोलकिया ईदगाह में बम से हुए हमलों में दो पुलिस वालों और एक आतंकी की मौत, 12 लोग घायल। ढाका से 100 किलोमीटर दूर किशोरगंज में हुआ हमला। ईद की नमाज के लिए जुटे थे करीब 3 लाख लोग। हमले के बाद पास के एक स्कूल में छिपे आतंकी। सुरक्षा कर्मियों के साथ आतंकियों का एनकाउंटर जारी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा, आतंकी हमला करने वाले इस्लाम के दुश्मन। बांग्लादेश की सूचना मंत्री हसन उल हक ने कहा, पुलिस पेट्रोलिंग टीम पर हुआ आतंकी हमला, देश को अस्थिर करने की साजिश। इस्लामिक प्रचारक डॉक्टर जाकिर नाइक पर कर सकता है खुफिया एजेंसियों का शिकंजा। पिछले 3 महीने में पीस टीवी पर दिए गए भाषणों की होगी जांच। जाकिर नाइक के भाषणों पर गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियां सतर्क। बांग्लादेश ने की नाइक के भाषणों की जांच की मांग। जाकिर की तकरीरों के टेप देखेगी एनआईए और आईबी। भड़काऊ या हिंसक भाषा मिली तो होगी कार्रवाई। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी जाकिर के मामले में कर सकता है जांच। पीस टीवी पर हुई तकरीरों पर रिपोर्ट का इंतजार। दफ्तर की सुरक्षा बढ़ाई गई। हमले की आशंका को लेकर पुलिस का पहरा। मोदी सरकार में 45,000 करोड़ रुपए के घोटाले का दावा। आज शाम 4 बजे कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार के लिए आसान नहीं होगा कैबिनेट विस्तार। शिवसेना के कोर्ट से बनाए जाने हैं 2 राज्य मंत्री, मगर शिवसेना को 2 कैबिनेट मंत्री भी चाहिए। 4 अफ्रीकी देशों की यात्रा में मोजाम्बिक पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया और केन्या का भी करेंगे दौरा। फर्जी ट्विटर अकाउंट को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने दिल्ली पुलिस से की शिकायत। कहा, मेरी छवि खराब करने की साजिश। मंत्रालय बदलने पर स्मृति ईरानी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान को लेकर एनसीपी नेता अली अनवर की सफाई। कहा, मैंने कोई गलत बयानी नहीं की। शिवसेना ने भी स्मृति पर साधा निशाना। सामना में लिखा, विवादों की वजह से मानव संसाधन मंत्रालय छिना। रिश्वतखोरी में फंसे केजरीवाल ने अपने प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार को किया सस्पेंड। डिप्टी सीएम की इजाजत के बिना हेडक्वार्टर न छोड़ने का निर्देश। केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार की बढ़ सकती है मुश्किलें। पूर्व सहयोगी अशोक कुमार ने कबूली घूस लेने की बात। ईद के मौके पर आतंकी हाफिज सईद ने उगला जहर। कहा, अमेरिका और भारत मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की साजिश रच रहे हैं। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में हाफिज सईद ने कहा कि अमेरिका मुस्लिम देशों के बीच फूट डालने का काम कर रहा। पश्चिम बंगाल में भी धरे गए आईएसआईएस के 2 संदिग्ध आतंकी। राज्य सीआईडी ने बर्दवान और बीरभूम से मूसा और कालू नाम के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आतंकी अलर्ट के मद्देनजर पश्चिम बंगाल की बर्दवान पुलिस ने एक लोकल क्लब से 107 बम बरामद किए। छापेमारी के बाद ड्रम और कंटेनरों में मिले बम। लश्कर ने सेना और पुलिस के मुखबिरों को दी खुलेआम धमकी। घाटी में मस्जिदों के बाहर पोस्टर लगाकर लिखा, मार दी जाएगी गोली। अलीगढ़ के हरदुआगंज में अवैध संबंधों को लेकर पत्नी के प्रेमी की हत्या। बीवी की साड़ी से गला घोटकर मार डाला। पत्नी को प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ने के बाद किया मर्डर। वारदात के बाद पत्नी को लेकर दिल्ली चला आया था पति। बिहार के हाजीपुर में शराबबंदी के बावजूद तस्करी जारी। दिल्ली से आई शहीद एक्सप्रेस ट्रेन से भारी मात्रा में शराब की बोतलें जब्त। टीन के डालाबंद बक्से में छिपाकर लाई गई थी शराब। तस्करी करने वाला आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार। यूपी के हरदोई में सड़क किनारे 2 ट्रक से बदमाशों ने लूटा डीजल। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। गैस एजेंसी के गोदाम के बाहर खड़े थे दोनों ट्रक। कार सवार बदमाशों ने हथियारों के दाम पर लूटा डीजल। राजस्थान के भीलवाड़ा में मावला चौराहे पर बड़ा सड़क हादसा। ट्रैक्टर और ट्रेलर की टक्कर में 13 लोगों की मौत, 40 घायल। राजस्थान के बारा से पार्वती नदी में उफान में फंसे दंपत्ति का रेस्क्यू। 4 घंटे की मशक्कत के बाद बोट के जरिए महिला उसके पति को बचाया गया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मंगलवार थाने में चोरों की पिटाई। पुलिस वालों ने पट्टे से बुरी तरह से मारा। बिहार के नालंदा में बिजली गिरने से 2 छात्रों समेत 5 लोगों की मौत। बवंडर के बाद लोग घरों में छिप गए थे। मध्य प्रदेश के सतना में भारी बारिश से आई बाढ़। जिला अस्पताल के अंदर घुसा बरसात का पानी। गुड़गांव के चर्चित गैंगस्टर संदीप गाडोली एनकाउंटर मामले में गुड़गांव पुलिस के सब इंस्पेक्टर प्रद्युम्न गिरफ्तार। मुंबई पुलिस की एसआई टीम ने किया गिरफ्तार। आरोपों के मुताबिक मुंबई के एक होटल में 7 फरवरी को किया गया था फर्जी एनकाउंटर और पूरी साजिश के तहत किया गया था प्लान। दिल्ली में द्वारका में पंखे से लटककर एक महिला ने की खुदकुशी। मायके वालों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। यूपी के जौनपुर में युवाओं को अगवा कर खून निकालने का मामला आया सामने। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सोनीपत की कत्था फैक्ट्री में गैस रिसाव से 3 मजदूरों की मौत। मालिक के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली से सटे नोएडा में वाहन चोर गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार। चोरी की 15 बाइक, 10 पॉट साइकिल बरामद। अब तक कर चुके हैं करीब 1,000 साइकिलों की चोरी।
ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाने में तीसरी बार भागा अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह। एमपी, राजस्थान और दिल्ली में वाहन चोरी की कई वारदातों को दे चुका है अंजाम। लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मी निलंबित। यूपी के अमरोहा में 13 देसी तमंचों के साथ दो लोग गिरफ्तार। एक गांव में चल रही थी अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री। उन्नाव में एक तरफा प्यार में आशिक ने नाबालिग लड़की की गोली मारकर हत्या की। लोगों ने आरोपी को जमकर धुना, पुलिस के हवाले किया। हरियाणा के गोहाना में हॉरर किलिंग मामले में पुलिस ने लड़की के माँ बाप और बड़ी बहन को किया गिरफ्तार। दूसरी जाति के लड़के से प्रेम के चलते परिवार ने डंडों से पीटकर किया कत्ल। सिंगर मीका सिंह के घर की सीसीटीवी तस्वीरें आई सामने। सीसीटीवी में मीका के घर में खिड़की से अंदर जा रही है फैशन डिजाइनर। इसी फैशन डिजाइनर ने मीका पर लगाया है कि उन्होंने उसे घर बुलाकर मारपीट और बदसलूकी की। मीका ने आरोपों को बताया बेबुनियाद बताकर उल्टा लड़की के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। मीका ने कहा कि लड़की ने उन्हें धमकाकर जबरन वसूली करनी चाहिए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक बस ड्राइवर को कुछ लड़कों ने जमकर धुना। ड्राइवर ने बीच सड़क से इन लड़कों को हटने के लिए बजाया था हॉर्न। ड्राइवर अस्पताल में भर्ती। झूला छाप डॉक्टरों के खिलाफ बिहार के गोपालगंज में प्रशासन का बड़ा अभियान। मोहम्मद के पुष्पा अस्पताल में छापेमारी, कई झूला छाप डॉक्टरों को पकड़ा गया। दिल्ली में महिलाओं को अश्लील मैसेज भेजने वाले एक शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोप है कि शख्स ने करीब 1500 महिलाओं को मैसेज किया। यूपी के रामपुर में दबंगों ने एक नाबालिग लड़की से रेप के बाद उसके घर वालों से की मारपीट। एक आरोपी गिरफ्तार, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के बिजनौर में एक ही गांव के तीन लोगों पर दो महिलाओं से रेप का आरोप, पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। अमृतसर के खलचिया में HDFC बैंक का ATM तोड़कर 19 लाख रुपए ले उड़े चोर, पुलिस ने दर्ज किया मामला, शुरू की जांच। भोपाल पुलिसकर्मियों ने एक अखबार के पत्रकार को सिमी का आतंकी बताकर जमकर पीटा और एनकाउंटर करने की धमकी दी, तीनों पुलिसकर्मी निलंबित। यूपी के सहारनपुर में दिल डला देने वाली वारदात। बगीचे से आम तोड़ने पर चौकीदार और ठेकेदार ने बच्चे को पीट पीट कर मारा। राजस्थान के कोटा में नर्सिंग के एक छात्र की खुदकुशी, पुलिस ने बरामद किया सुसाइड नोट। प्रेम प्रसंग में आत्महत्या का शक। हिमाचल की ऊना में डॉक्टर बीवी को गोली मारकर एक शख्स ने की खुदकुशी, महिला की हालत गंभीर। बिहार के शिक्षा विभाग में नया घोटाला आया सामने। यहां एक ही डिग्री पर दो दो टीचर की नियुक्ति अलग अलग स्कूलों में की गई। बिहार के दरभंगा में जल निकासी को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने के लिए खुद म्युनिसिपल कमिश्नर ने गंदे पानी में घूम घूम कर हालात का लिया जायजा। बिहार के दलसिंह राय में एक सरपंच का तुगलकी फरमान, एक शख्स को दी जमीन पर थूक कर चाटने की सजा। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक युवक ने नर्मदा में लगाई छलांग, सुसाइड के लिए नदी में कूदने का वीडियो वायरल। कुत्ते को छत से फेंकने के मामले में गिरफ्तार किए गए दो लोगों को मिली जमानत। MBBS के एक छात्र ने दिखाई थी दरिंदगी। पशु प्रेमियों ने छत से फेंके गए कुत्ते को ढूंढ निकाला, अस्पताल में कराई जांच। डॉक्टरों के मुताबिक दो टांगों की हड्डियां टूटी। जयपुर में एक होटल की छत गिरने से तीन लोगों की मौत, करीब 30 जख्मी। खुफिया विभाग से अलर्ट जारी होने के बाद समस्तीपुर में रेलवे सतर्क। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों की चेकिंग, खोजी कुत्तों की मदद से एसी बोगी से लेकर पैंट्री कार तक की तलाशी। आतंकी हमले की आशंका के मद्देनजर पठानकोट एयरबेस पर बढ़ाई गई सुरक्षा, पूरे इलाके में हाई अलर्ट। कोलकाता में महिला यात्री से छेड़छाड़ के मामले में उबर कैब चालक गिरफ्तार, विधान नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ मामला। पुणे में मंगलवार को तीन महिलाओं को कार से टक्कर मारकर फरार हो जाने वाली महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरियाणा के यमुनानगर के सरकारी अस्पताल में नाबालिग से बलात्कार, अस्पताल के कर्मचारी पर आरोप। यूपी के मिर्जापुर में बदमाशों का आतंक, बैंक कैशियर को गोली मारकर बाइक और बैग लूटकर फरार हुए बदमाश, कैशियर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पटना में गाड़ी से 120 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद, गाड़ी पर प्रेस का स्टिकर, कार मालिक की हुई पहचान। झालावाड़ में 13 साल पुराने मारपीट के केस में बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा को दी गई 2 साल की सजा, कोर्ट ने 7000 का जुर्माना भी ठोका। पंजाब के फिरोजपुर में जुआ खेलते चार लोग पुलिस के हत्थे चढ़े, लाखों की नकदी बरामद, आरोपियों को दो बिजली बोर्ड के अधिकारी भी इसमें शामिल। बीकानेर में एक दुकान में सेंधमारी कर लाखों का माल ले उड़े चोर, पुलिस को अब तक नहीं मिला कोई सुराग। मध्य प्रदेश के सतना में बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा किए, घरों में घुसा पानी, लोग कमर तक पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। लगातार हो रही बारिश ने नगर निगम की खोली पोल, सड़कें बन गई हैं तालाब।
उत्तराखंड के मुकुट पर्वत से सामने आई एवलांच की तस्वीर। पिछले महीने एक्सपीडिशन करने गए पर्वतारोहियों के दल ने कैमरे में कैद की थी तस्वीर। वैज्ञानिकों का मानना है कि स्नोफॉल कम होने और भारी बरसात की वजह से ऐसा हुआ। कोयम्बटूर के बोलुमवम पट्टी में एक हथनी की रहस्यमय बीमारी से मौत। 28 घंटे तक अपनी मां के पास बैठा रहा हाथी का बच्चा। देश भर में मनाया जा रहा आज ईद का त्यौहार। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में बड़ी तादाद में जुटे नमाजी। भोपाल में भी ईद का जबरदस्त उत्साह। ईदगाह मैदान पर बड़ी तादाद में जुटे नमाजी। वाघा बॉर्डर पर दिखी ईद की रौनक। आपस में गले मिले बीएसएफ जवान और पाक रेंजर्स। जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर दिखी ईद की रौनक। पाक रेंजर्स के साथ बीएसएफ के जवानों ने मनाई ईद। पश्चिम बंगाल के फलबारी में भी बांग्लादेश सीमा पर जवानों ने मनाई ईद। बांग्लादेशी जवानों के साथ मिठाइयों का आदान प्रदान। यूरो कप के फाइनल में पहुंचा पुर्तगाल। सेमीफाइनल में वेल्स को 2-0 से दी मात। जश्न में डूबे फैंस। पुर्तगाल से रोनाल्डो ने 50वें मिनट में दागा पहला गोल। 3 मिनट बाद रोनाल्डो के पास पर नानी ने दागा दूसरा गोल। कनाडा के मिलोस राउनिक ने क्वार्टर फाइनल में अमेरिका के सैम क्वेरी की चुनौती तोड़ी। सेमीफाइनल में बनाई जगह। टॉमस बेर्डिच भी विंबलडन मेन सिंगल्स के सेमीफाइनल में फ्रांस के लुकास पाओली को सीधे सेट्स में हराया। अर्जेंटीना के पूर्व फुटबॉल कप्तान लियोनेल मेसी को टैक्स चोरी के आरोप में 21 महीने की जेल की सजा, लेकिन नहीं होगी जेल। रांची में छाया महेंद्र सिंह धोनी के 35वें जन्मदिन का जोश। आधी रात को माही के फैंस से मनाया जश्न। लंदन में सचिन तेंदुलकर ने कराया घुटने का ऑपरेशन। ट्वीट कर डाली तस्वीर। अमेरिका में लुसियाना के बैटन रोग में पुलिस वालों ने अश्वेत कुमारी गोली। मोबाइल में कैद हुई वारदात। पुलिस गोली से अश्वेत की मौत पर लुसियाना में भड़का लोगों का गुस्सा। सड़कों पर लोगों ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने दिया जांच का भरोसा। अफगानिस्तान से इस साल अपनी फौज नहीं घटाएगा अमेरिका। ओबामा ने कहा कठिन बने हुए हैं अफगानिस्तान के हालात। चीन के यूनान प्रांत में भारी बारिश के बाद सैलाब और भूस्खलन से 5 लोगों की मौत। 60,000 लोग बारिश से प्रभावित। अमेरिका के मिनेसोटा में बारिश तूफान से भारी तबाही। तूफान के गुजरने के बाद शुरू हुआ सफाई का काम।